हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फजी सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फजी रिलेशन। जो हमने फजी रिलेशन देखा था उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है। देखो, पहले बाइनरी रिलेशन और सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट में हम बाइनरी रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। अब बाइनरी रिलेशन आर ऑन सिंगलटन सेट एक्स इज डिनोटेड एज, हम सिंगलटन सेट एक्स डिनोट कैसे करेंगे, आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है। एक्स क्रॉस एक्स को क्या कर दिया हमने, एक्स क्रॉस एक्स, इसको ये एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन किसमें है, यहाँ से रिलेशन है, रिलेशन सेटअप करना है एक्स से एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है। ये बाइनरी रिलेशन है, मतलब आर यहाँ से एक्स क्रॉस यहाँ पर एक्स क्रॉस एक्स से, ठीक है। ये बाइनरी रिलेशन है एक्स, तो हमें लिखते ना फंक्शन एक्स, हम फंक्शन करेंगे x से, y तो हम करेंगे एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स, एफ एक्स लिखते ना, ठीक है। तो सेम तो यहाँ पर लिखेंगे हम r x क्रॉस x, ठीक है। तो रिलेशन डिनोटेड है r x क्रॉस x या x स्क्वायर, यहाँ पर इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस आर सबसेट ऑफ x क्रॉस x, ठीक है। ये जो रिलेशन आएगा, ठीक है, जो रिलेशन आएगा x क्रॉस x, ये किसका सबसेट होगा, ये x क्रॉस x का सबसेट होगा, ठीक है। दैट इज r इज सबसेट ऑफ x क्रॉस x। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फजी रिलेशन, ठीक है। फजी रिलेशन, फजी में क्या आता है, हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड आते हैं ना, मेंबरशिप फंक्शन है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप ग्रेड, ठीक है। तो यहां हम क्या लेंगे, मेंबरशिप ग्रेड लेंगे। जो भी कंपेयर करेंगे हम मेंबरशिप ग्रेड को लेंगे, जैसे क्रिप्स सेट या कोई भी नॉर्मल सेट के लिए हम ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहां पर देखो properties of fuzzy relation, let R x cross x is a fuzzy relation, ठीक है। x cross x क्या है, fuzzy relation है, define in terms of membership function। देखो ये क्या है, fuzzy relation है, किसके term में, मतलब जहाँ पर function आएगा, ये R x cross x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे हम fuzzy relation को भी relation मान लिया, a लिखते हम a x comma a x, मतलब x क्या है element और a x क्या है membership grade, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पर भी x क्रॉस x का क्या आएगा, x क्रॉस x का क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, एलिमेंट आएगा x क्रॉस, मतलब पेयर में आएगा ना, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पेयर में आएगा, ठीक है। a कॉमा b जैसे b कॉमा a, तो ऐसे प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, पेयर में एलिमेंट आएगा, और क्या होगा इसका मेंबरशिप ग्रेड, इसको हम r x कॉमा x लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। r x कॉमा x, ये क्या होगा, इसका मेंबरशिप ग्रेड होगा, ठीक है। इस एलिमेंट का मेंबरशिप ग्रेड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या तो कहीं पे म्यू लिखा रहेगा, म्यू आर एक्स कॉमा एक्स, ठीक है। म्यू या तो हम म्यू से डिफाइन करते हैं, कहीं बुक में म्यू से डिफाइन कर रहा रहता है, यहाँ पर हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है, कहाँ, कहीं पे म्यू ए जो सेट है ऐसे एक्स म्यू कॉमा सॉरी ए जो सेट है एक्स कॉमा म्यू ए एक्स, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, ठीक है। यहाँ x कौन सा है, यूनिवर्सल सेट x है, और ये क्या है, मेंबरशिप ग्रेड होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम जब फजी सेट पढ़ रहे थे उसमें बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो हम ये क्या करेंगे, मेंबरशिप फंक्शन लेंगे, जो भी हम कंपेयर करेंगे मेंबरशिप फंक्शन कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव, अब पहले देखो, देन पहले इसमें है फजी रिलेशन में प्रॉपर्टी क्या है, पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, जो हमारे पास ये है आर फजी रिलेशन है, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली आर एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई रिलेशन दे दिया, ठीक है, जैसे हमने रिलेशन पहले रिलेशन आर दे दिया हमें, ये देखा एक्स हमें, ये एक्स हमें देखा वन टू थ्री दे दिया, ठीक है। हमने हमारे पास क्या आएगा, वन टू थ्री, यहाँ पर भी वन टू थ्री आएगा, x क्रॉस x लेना, मतलब ये सेम एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वन टू थ्री। तो हमने इसमें कर दिया वन वन वन, जीरो पॉइंट टू, जीरो पॉइंट थ्री, जीरो पॉइंट टू, यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री, जीरो पॉइंट फोर, और यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर लिख दिया, ठीक है। ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हम देखो इफ r, ये क्या है, r इज सेट टू बी रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हमारे पास जो भी है जो सेम एलिमेंट वाले, जैसे वन 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 वन, जो सेम ऑर्डर वाले, देखो x x लिखा ना, मतलब यहाँ पर क्या एलिमेंट आने चाहिए, सेम एलिमेंट आने चाहिए, वन वन आ गया, टू टू, टू थ्री, सॉरी टू
2, 3, 3, 3, ठीक है, ये सेम एलिमेंट पे जो भी मेंबरशिप ग्रेड होगी, ये कि हमारे पास R X को मैं X लिखा है, X cross X क्या है, ये तो फजी, जो हमारे पास फजी रिलेशन ये है, और ये क्या है मेंबरशिप ग्रेड जो हमने लिखा था अभी, R क्या है, R हमारे पास आएगा X, ये एलिमेंट होगा, और मेंबरशिप ग्रेड कैसे आएगी, R X कॉमा X, ठीक है, ये हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड आएगी, या तो हम इसको इस पर हम ऐसे लिख सकते हैं न्यू R X कॉमा X, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये मेंबरशिप ग्रेड है, जो भी ये मेंबरशिप ग्रेड होगी 1 एलिमेंट पे ये क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, कोई भी x लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, तो हमने 1 2 3 ले रखा है, तो हमारे पास 1 2 3 पे हमारे पास क्या आनी चाहिए, सभी फॉर ऑल x, एक भी x से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, सभी x के लिए अगर हमारे पास क्या है, जो मेंबरशिप ग्रेड है सेम एलिमेंट के लिए 1 आ गया, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, देखो मतलब R इज रिफ्लेक्सिव है, तो हमारे पास ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, तभी इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा है, ठीक है, मतलब जैसे हमें कहीं पर प्रूफ करने के लिए आएगा, रिफ्लेक्सिव देता है, कुछ प्रूफ करने को आ गया, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव देखो, इसका मतलब हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, मतलब हमारे पास ये है, ठीक है, और अगर ये निकल रहा है, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में बोल रखा है रिफ्लेक्सिव निकालो, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, हमारे पास ये आ रहा है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, देखो रिफ्लेक्सिव है, देखो यहाँ पर भी वन आ रहा है, 1 1, ये 1 1 है, ये देखो ये यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 2 पे भी 1, 3 3 पे भी 1, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, अब देखो सेकंड है, इफ आर एक्स कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर सम, यहाँ पर ध्यान देना, फॉर सम, फॉर ऑल, यहाँ पे देखो 1 क्या होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, अगर किसी कहीं कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं कभी नहीं आ रहा है, फॉर सम x कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर सम x बिलोंग्स टू x, ठीक है, अगर कहीं पे ये 1 नहीं हो रहा, जो सेम एलिमेंट पे है, कहीं पे ये 1 नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देन रिलेशन इज कॉल्ड इरिफ्लेक्शन, ठीक है, तो हम इस पे अगर कहीं पे सम कहीं कहीं पे, जैसे यहाँ पर मान लिया यहाँ पे 2 पे नहीं आ रहा, यहाँ पे 2.05 आ गया, ठीक है, 2 पर हमारा क्या आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है, देखो कहीं पे नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे 2 2 पे R 2 2 क्या दे रखा है, 0.5 नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ई रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास क्या आएगा, ई रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये ई रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, फॉर सम जो रिलेशन इज कॉल्ड ई रिफ्लेक्शन, इफ R x कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर ऑल, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, फॉर सम x बिलोंग्स टू x है, और यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, देन रिलेशन इज कॉल्ड एंटी रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये इरिफ्लेक्शन कब है, रिफ्लेक्शन कब है, जब सारे जो सेम एलिमेंट वाले हो उनकी मेंबरशिप ग्रेड क्या हो, 1 हो, यहाँ पर मेंबरशिप ग्रेड नॉट इक्वल टू 1 फॉर सम x बिलोंग्स टू x, कहीं कहीं पर 1 है, कहीं कहीं पर नहीं है, ठीक है, फॉर सम x बिलोंग्स टू x, तो हमारे पास इरिफ्लेक्शन है, अगर ये सारे के लिए 1 नहीं है, ठीक है, सारे x के लिए ये 1 नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे एंटी रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे एंटी रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर दे दिया 0.6, यहाँ पर दे दिया 0.7, ठीक है, तो देखो किसी के लिए भी क्या आ रहा है, जो सेम सेम 1 1, 2 2, 3 3 पे क्या आ रहा है, ये 1 नहीं आ रहा है, सारे के लिए, देन रिलेशन इज कॉल्ड एंटी रिफ्लेक्शन, ये रिलेशन क्या हो गया, एंटी रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, फिर मैं अब देखो R इज सेड टू बी सिग्मा रिफ्लेक्शिव, ठीक है, ये R इज सेड टू बी सिग्मा रिफ्लेक्शिव, कहीं पे डेफिनेशन आती है सिग्मा रिफ्लेक्शिव क्या होता है, सिग्मा रिफ्लेक्शिव मतलब वहां पे लिख देना आप फजी रिलेशन R x कॉमा x इज सेड टू बी ई रिफ्लेक्शिव सिग्मा रिफ्लेक्शिव इफ यदि, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, इफ एज ई रिफ्लेक्शिव देता है, तो इफ हमारे पास तब हो गए R x कॉमा x इज ग्रेटर और इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, वेयर सिग्मा बिलोंग्स, सिग्मा कहाँ है, 0 to 1 ओपन इंटरवल है, सिग्मा ओपन इंटरवल 0 to 1 में, ठीक है, इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू है, ठीक है, मतलब R x कॉमा y, ठीक है, R x कॉमा x होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर क्या है, R x कॉमा x जो हमारे पास ये सेम एलिमेंट है, ये क्या होना चाहिए, अगर कोई सिग्मा हमने डिफाइन कर लिया, मतलब ये हमने सिग्मा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, जैसे हमें दे दिया सिग्मा, हमें दे दिया सिग्मा, हमें दे दिया 0.4 दे दिया, ठीक है, 0.4 दे दिया, R इज सेड टू बी इरिफ्लेक्सिव इफ R x कॉमा x जो सेम एलिमेंट वाले है वो ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिग्मा होनी चाहिए, ठीक है, सिग्मा वे सिग्मा ही 0 टू
1, ओपन इंटरवल 0-1 के बीच में है, ठीक है, वहाँ के एलिमेंट है 0-1। तो हमने माना सिम में क्या रहता है 0.4 है। अब देखो R11 क्या है 0.6 है, यहाँ पे 0.6 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या है 0.4। R22 क्या है 0.5, ग्रेटर देन 0.4 है। R33 क्या है 0.7 इज ग्रेटर देन 0.4, ठीक है। ये क्या है ग्रेटर देन आ रहे, तो हम ये क्या बोलेंगे, ये क्या हमारे पास इरिफ्लेक्सिबल, यहाँ पे ये क्या हमारे पास इरिफ्लेक्सिबल, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोलते हैं, ये इरिफ्लेक्सिबल, ठीक है, तो ये इरिफ्लेक्सिबल हो गया। अब देखो फोर्थ, देखो फोर्थ है आर इज सेड टू बी वीकली रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर इज सेड टू बी वीकली रिफ्लेक्सिव इफ आर एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू आर एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, मतलब आर एक्स कॉमा एक्स एंड ये भी है एंड आर वाई कॉमा एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर एक्स कॉमा एक्स, मतलब यहाँ के जितने भी ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 है यहाँ के देखे और नीचे को भी देखे, तो हमारे पास क्या आने चाहिए, ये क्या आने चाहिए, इनसे लेस आने चाहिए, ठीक है। ये जो एलिमेंट है बाकी के, जहाँ पे सेम एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट है, ये क्या आने चाहिए, इनसे लेस आने चाहिए। मतलब हम क्या लेंगे, जैसे हमने ये लिया आर वन कॉमा, हमने वन के लिए लिया 1, y, ठीक है। अब हमने y रख दिया 1, 2, 3, y भी क्या है 1, 2, 3 है, ठीक है। आर वन वन, हमारे पास आर वन वन क्या है, पहले आर वन वन देख ले 0.6 है, ठीक है, फिर इसको फिक्स करना आर वन कॉमा 2 रख दिया, तो ये क्या आ रहा है 0.2 इज लेस देन 0.6, ठीक है। आर 1, 3, आर 1, 3 के हमारे पास ये 1 है ये 3 है, आर 1, 3 के हमारे पास 0.3 इज लेस देन 0.6 है, ठीक है। एंड अब देखो एक लेते हैं आर वाई फिक्स करना है, ठीक है, वाई को हमने 1 ले लिया और ये एक्स, ठीक है, आर 1, 1 आर वन वन हमारे पास 0.6 हो गया, ठीक है, ये तो 1, 1 के लिए हो गया, ठीक है। आर 1, 2 के लिए भी तो होगा भी, आर 1, 2 क्या होगा हमारे पास, आर 1, 2 क्या होगा हमारे पास 2, y, तो आर 2, 2, ठीक है, ये आर सभी के लिए होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो हम सभी के लिए देखेंगे। अगर किसी के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा, पहले तो ये ए के लिए सेटिस्फाई हो गया, वन के लिए आर टू वाई, मतलब आर टू टू का हमारे पास क्या है 0.5, तो आर टू वन के हमारे पास 0.2, 2, 1, ये क्या है 0.2, आर टू टू क्या है 2, 3 ले लेते हैं, आर टू थ्री के हमारे पास 2 और 3 हमारे पास है 0.4, ये लेस देन 0.5 और ये भी लेस देन 0.5 है, ठीक है। अब आ गया, ये तो हो गया आर थ्री वाई, मतलब आर थ्री थ्री के हमारे पास 0.7 है, ठीक है, तो आर थ्री वन क्या हमारे पास 3, 1 0.4 है, लेस देन 7 है। आर थ्री टू के हमारे पास 0.3, ये भी क्या है लेस देन 0.7, ठीक है, ये इसके लिए तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, इसके लिए तो ये लेस देन आ रहा है। अब देखो लेस देन आ रहा है, अब देखो आर वाई कॉमा एक्स है, ठीक है, आर वाई कॉमा एक्स है, तो आर हमने लिया 1, x, ठीक है, तो आर 1, x हमने यहाँ पर लिया आर 1, 1, ठीक है, आर 1, 1 तो हमें 0.6 पता है, ठीक है, आर 1, 2 यहाँ पे x x है ना, तो x x फिक्स होगा, यहाँ पे 1 लिया तो ये 1, 1 रखा, अब होगा 2, 1 हमारे पास 2, 1 है 0.2 इज लेस देन 0.6, आर 3, 1, ठीक है, ये क्या हो गया रो के लिए हो गया, कॉलम के लिए देख रहे, ठीक है, अब 3, 1 हो गया, ठीक है, 3, 1 हमारे पास क्या है 0.4 इज लेस देन 0.6, ठीक है, वैसे आर यहाँ पे आर वाई 2, ठीक है, तो R ये हो गया 1, 2, पहले 2, 2 निकाल लेते, R 2, 2 हमारे पास 0.5,
यहाँ पर होगा फिर आर टू वन टू, वाई को वन रखा, वन टू क्या है वन टू टू इज लेस देन 0.5, आर आर थ्री टू क्या है आर थ्री टू, हमारे पास थ्री टू क्या है 0.3 लेस देन 0.5, ठीक है। और आर अब हम देख लेते हैं आर वाई थ्री, मतलब आर थ्री थ्री देखा हमने 0.7 है, ठीक है। तो आर ये क्या हो गया थ्री, यहाँ पर होगा वन थ्री क्या है वन कॉमा थ्री क्या है हमारे पास वन कॉमा थ्री है 0.3 इज लेस देन 0.7 और कॉमा आर वन यहाँ पे थ्री, सॉरी यहाँ पर आ गया थ्री थ्री आ गया वन थ्री आ गया टू थ्री, आर टू कॉमा थ्री, आर टू कॉमा थ्री कितना है 0.4 इज लेस देन 0.7, ठीक है। मतलब ये एक बार रो देखने एक बार कॉलम देखने, ठीक है, रो के लिए देखने, ये देखो यहाँ से देखो ये लेस आ रहा है, ठीक है, ये इससे लेस आ रहा है, ये इससे लेस है, ठीक है। वैसे यहाँ पे सीधा हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये लिख के भी समझा दे क्या लेस आ रहा है। यहाँ पर हम सीधा यहाँ से हम सॉरी रिलेशन से जो हमने रिलेशन डिफाइन कर रखा है यहाँ से भी ले सकते हैं। देखो 0.2 इज लेस देन 0.6, 0.3 इज लेस देन 0.6, यहाँ पर भी देख लेते हैं 0.2 इज लेस देन 0.6, 0.4 इज लेस देन 0.6। वैसे यहाँ पर रो में यहाँ पर 0.2 इज लेस देन 0.5, 0.4 इज लेस देन 0.5, वैसे ये कॉलम देख लेते हैं 0.2 इज लेस देन 0.5, 0.3 इज लेस देन 0.5, ठीक है। अब इसके लिए 0.4 इज लेस देन 0.7, 0.3 इज लेस देन 0.7, ठीक है। वैसे 0.3 इज लेस देन 0.7 और 0.4 इज लेस देन 0.7, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये क्या हमारे पास वीकली रिफ्लेक्शिव है, ये भी हमारे पास क्या है वीकली रिफ्लेक्शिव है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है वीकली रिफ्लेक्सिव आ रहा है, वो भी सारे फॉर एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, सभी एक्स कॉमा वाई सभी के लिए आ रहा है ना, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं छूट रहा। अगर कोई भी एक ऐसा इसको सेटिस्फाई ना करे तो ये वीकली रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी छूटा तो ये क्या होगा वीकली रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये सारे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए सेटिस्फाई होने चाहिए। तो हमारे पास क्या निकलेगा ये वीकली रिफ्लेक्शन निकलेगा, ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन कब होता है, इ रिफ्लेक्शिव एंटी रिफ्लेक्शिव, ठीक है, ये फॉर सम ये फॉर ऑल, ई सिग्मा रिफ्लेक्शिव कब होगा, ठीक है, ये क्या होगा जब एक्स कॉमा एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे ये वीकली रिफ्लेक्शिव कब होगा जब रो और कॉलम क्या होंगे लेस देन सेम एलिमेंट के होंगे, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सारे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए, ठीक है। फिर मैं आया देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, यहां पर क्या सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आर वाई कॉमा एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। मान हमने एक रिलेशन लिया वन वन में क्या है वन है, ठीक है, मतलब आर एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आर
y कॉमा x है, जब दोनों इक्वल है मतलब r x कॉमा x इक्वल टू r x कॉमा x हो गई, ठीक है, एलिमेंट अपने के इक्वल होता ही है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, वैसे r 1 कॉमा r यहां पे ले लो 1 कॉमा 1, यहां पे 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 क्या हमारे पास 1 कॉमा 2 क्या हमारे पास 0.3 और r 2 कॉमा 1 क्या है r 2 कॉमा 1 भी यही है, देखो ये 1 कॉमा 2 0.3 है, r 2 कॉमा 1 क्या है 0.3, ठीक है, वैसे r 1 कॉमा 3 क्या है 0.4 और r 3 कॉमा 1 क्या है r 3 कॉमा 1 क्या है यहां पे पॉइंट, ठीक है, यहां पे r ये r 3 कॉमा 1 भी क्या है 0.4 है, ठीक है, तो ये हो गया, वैसे r ये 1 पे हो गया 2, r 2 कॉमा 2 कॉमा 1 हो गया 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 2 क्या 1 है, ठीक है, ये अपने आप के इक्वल होगा, ठीक है, यहां एलिमेंट अपने आप के इक्वल तो होगा ही, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो डिफरेंट है उनको देखते हैं, r 2 कॉमा 3 देखते हैं, r 2 कॉमा 3 क्या है 0.5 और ये किसके है r 3 कॉमा 2 के, ठीक है, r 3 कॉमा 2 क्या है 0.5, तो हमारे पास देखो जो हमारे पास r x कॉमा y = r y कॉमा x फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू x, ठीक है, देखो ये एग्जांपल था, ठीक है, तो इसमें क्या है देखो r x कॉमा y सभी के लिए क्या है, जहां जो x कॉमा y किसमें है x में है सभी के लिए क्या है इक्वल है, ठीक है, ये डिफरेंट वाला x कॉमा y इक्वल टू r y कॉमा x क्या है ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है, फॉर ऑल x x कॉमा y बिलोंग्स टू x, तो हमारे पास क्या कहलाएगा ये सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है, if r x कॉमा y इज नॉट इक्वल टू r y कॉमा x, ठीक है, कहीं पर क्या है ये इक्वल नहीं है, ठीक है, यहां पर हमने 0.6 ले लिया और यहां पे 0.7 ले लिया, ठीक है, ये किस ये कहीं कहीं पे if r x कॉमा y इज नॉट इक्वल टू r y कॉमा x फॉर सम, ठीक है, फॉर सम मतलब सभी के लिए नहीं कहीं कहीं पे, ठीक है, फॉर सम x कॉमा y बिलोंग्स टू x, ठीक है, फॉर सम x कॉमा y बिलोंग्स टू x, अगर कहीं कहीं पे ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा असिमेट्री, ये हमारे पास क्या कहलाएगा असिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है, अगर कहीं कहीं पे देखो यहां पे 0. यहां पर क्या है 0.4 है 3.1 पे 0.6 लिखा है और यहां पे 1.3 पे क्या है 0.4, दोनों इक्वल नहीं है, यहां पर सेम 3.2 पे 0.7 और 3. यहां पे 2.3 पे क्या 0.5 दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे क्या कहलाएगा असिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर इक्वल है 2.1 और 1.2 पे 0.3 है, ठीक है, यहां पर इक्वल है लेकिन यहां इक्वल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा असिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है, और रिलेशन इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक व्हेन, और ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक कब कहलाएगा और रिलेशन r इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक व्हेन r x, y इज ग्रेटर देन 0 एंड r y, x इज ग्रेटर देन 0, इट इज इंप्लाइड दैट x इक्वल टू y for all x x comma y belongs to x, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा अगर ये दोनों क्या है greater than 0 है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर क्या होनी चाहिए ये जो अलग अलग एलिमेंट है यहाँ पर x और y क्या है different है, ठीक है, जहाँ पर ये क्या होनी चाहिए greater than 0 होनी चाहिए, ठीक है, greater than 0 होनी चाहिए और ये तभी equal होंगे r x comma y equal to r y comma x if यहाँ पर it is implied that यहाँ पर ये क्या imply कर रहा है x equal to y, तो यहाँ पर क्या होगा x equal to y होगा, ठीक है, ये greater than 0 है और equal नहीं है, ठीक है, तो equal नहीं है तो it is implied that x equal to y for all x comma y belongs to x, ये antisymmetric का मतलब है, antisymmetric का मतलब क्या है अगर ये दोनों greater than 0 है, ठीक है, अगर greater than 0 होंगे ये तो दोनों equal हो जाएंगे ना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा symmetric मिल जाएगा, ठीक है, दोनों क्या है greater than 0 है और दोनों क्या है equal नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये equal नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या होगा x equal to y होगा, ये कहाँ कहाँ पर इक्वल होंगे सिर्फ x equal to y पर होगा, ठीक है, x जहाँ x y के बराबर होगा यहाँ पे देखो 1 1, 2 2 और 3 3, तो x equal to y for all x comma y belongs to x, ठीक है, ये symmetric कहाँ होगा सिर्फ कहाँ पर होगा जहाँ पर same element होगा वहीं पे ये symmetric होगा, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है greater than 0 है और ये इक्वल नहीं है तो ये इट इज इंप्लाइड दैट x इक्वल टू y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू x, ठीक है, समझ में आया, अब देखो वहां पर रिफ्लेक्सिव देखा था ना, रिफ्लेक्सिव देखा था, रिफ्लेक्सिव तो जब था जब r x कॉमा x इक्वल टू 1 था, ठीक है, और ई रिफ्लेक्सिव था जब r x कॉमा नॉट इक्वल टू 1 फॉर सम x, ठीक है, और यहां पर था ई रिफ्लेक्सिव था
और यहाँ पर था एंटी रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या था, एंटी रिफ्लेक्सिव क्लियर था, x कॉमा x इक्वल टू वन नॉट इक्वल टू वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, कहीं पर भी ये वन ना हो। अगर ये वाला है तो ये भी होगा, ई रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, देखो सम, अगर ये पूरा सम है सबके लिए आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया फॉर ऑल, ये क्या है फॉर ऑल के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू वन है, नॉट इक्वल टू वन है, ठीक है, सब ये फॉर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सम कुछ ले सकते हैं हम, ठीक है, ये सम वाला है, ठीक है, अगर ये सम है मतलब ये क्या इरिफ्लेक्सिव भी इसी के अंदर आ गया, अगर एंटी रिफ्लेक्सिव है तो ये इरिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, अगर ये एंटी रिफ्लेक्सिव है, एंटी रिफ्लेक्सिव इंप्लाई दैट इरिफ्लेक्सिव, ठीक है, एंटी रिफ्लेक्सिव है तो इरिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगर लेकिन सम सम के लिए है नॉट इक्वल टू, जहां पर क्या है x कॉमा x नॉट इक्वल टू वन, क्या है ये सम के लिए है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर ऑल के लिए नहीं है, सम के लिए है, यहाँ पर कहीं कहते ये वन नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन तो छूट रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये वन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा एंटी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, एंटी रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, एंटी रिफ्लेक्सिव है तो ई रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, एंटी रिफ्लेक्सिव है तो ई रिफ्लेक्सिव भी होगा, लेकिन अगर हम पर ई रिफ्लेक्सिव देखा है तो हमारे पास क्या होगा, ये एंटी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये असिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, मतलब क्या, ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर क्या फॉर सम x कॉमा y बिलोंग्स टू x है। ठीक है, तो अगर ये एंटी सिमेट्रिक है, वैसे ये एंटी सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, इट इज इंप्लाइड दैट असिमेट्रिक। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक है मतलब हमारे पास असिमेट्रिक भी मिल रहा है, मतलब ये कहाँ पर कहीं कहीं पे ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर क्या है ये किसी के लिए भी इक्वल नहीं है, जब x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वन, ये जहाँ पर इसका मतलब क्या कहलाएगा, जब x इक्वल टू वाई है, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू वाई है। ठीक है, ये क्या है एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीसिमेट्रिक है तो हमारे पास असिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, अब देखो ट्रांजिट थर्ड है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसको हम मैक्स मिनिमा ट्रांजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को मैक्स मिनिमा ट्रांजिटिव भी बोलते हैं। देखो कैसे बोलते हैं, इफ आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, आर हमें ट्रांजिटिव तब होगा इफ आर एक्स कॉमा जेड, हमें क्या देखा एक रिलेशन दे दिया, रिलेशन आर एक्स कॉमा जेड दे दिया। ठीक है, हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास आर क्या है एक्स वाई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्स वाई बनता है। ठीक है, हमारे पास का रिलेशन क्या आएगा, एक्स वाई रिलेशन आएगा इसे। ठीक है, एक्स वाई रिलेशन आएगा, तो यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर हमने दूसरा रिलेशन जैसे पी, यहाँ पर पी दे दिया एक्स से वाई, क्यू दे दिया वाई से जेड, हमें पी यहाँ पर निकाल देते मैक्स मिनिमा का, हमारे पास क्या मिलता था एक्स से जेड मिलता था। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर आर बोल रहे हैं हम एक्स से जेड बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स से एक्स को हमारे जेड, हमारे पास क्या है मेंबरशिप ग्रेड है, जो हमारे पास ये कंपोजिशन, हमने ये कंपोजिशन निकाला, ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये x आएगा और यहाँ पर ये z के आएंगे। ठीक है, और ये क्या आएंगे मेंबरशिप ग्रेड r कॉमा z आएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पर r कॉमा z इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, यहाँ पर लास्ट में आएगा जो हमारे पास दिया रहेगा। ठीक है, जो हमारे पास गिवन रहेगा r x कॉमा z इज ग्रेटर इक्वल टू मैक्स y कॉमा y मिनिमम ऑफ r x कॉमा y कॉमा आर वाई कॉमा जेड। ठीक है, जब हम उसका मैक्स मिनिमा कंपोजिशन निकालेंगे तो हमारे पास मैक्स ये क्या होना चाहिए, मैक्स मिनिमा कंपोजिशन निकालेंगे जो इसकी मेंबरशिप ग्रेड क्या होनी चाहिए, जो इसकी मेंबरशिप ग्रेड इससे छोटी है इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास रिलेशन आर दिया है। ठीक है, हमें पहले क्या देखा है, एक आर रिलेशन देखा है, उसका हमने मैक्स मिनिमा कंपोजिशन निकाला। ठीक है, यहाँ पर क्या आया कुछ मेंबरशिप, ये मैक्स मिनिमा कंपोजिशन निकाला। ठीक है, जो हमारे पास ये मैक्स मिनिमा कंपोजिशन होगा वो क्या नीचे, जो इसके मेंबरशिप ग्रेड आएंगी इसके मेंबरशिप ग्रेड से छोटी या इसके बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव कहलाएगा, तभी ये हमारा क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव कहलाएगा। इज सेटिस्फाई फॉर ईच पेयर x कॉमा z बिलोंग्स टू x क्रॉस x। ठीक है तो अभी बाइनरी में ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंगलटन सेट है। ठीक है, सिंगलटन सेट है हमारे पास और x कॉमा z हमें ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए ईच पेयर पे, मतलब जो हमारे पास ये रिलेशन दिया होगा, गिवन रिलेशन होगा, ये रिलेशन दिया होगा। ठीक है,
सिमुलेशन दे रखा है और यहाँ से हमने इसका मैक्स मिनिमम कंपोजिशन निकाला, ठीक है। और इसका भी कुछ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मेंबरशिप पीरियड होनी चाहिए इससे छोटी है इसके बराबर होनी चाहिए, वो लिखा है ना आर एक्स कॉमा जेड, ये आर एक्स कॉमा जेड है। और यहाँ पर क्या है जो इस ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू जो ये कंपोजिशन है मैक्स मिनिमम कंपोजिशन हम निकालेंगे तो उसके मेंबरशिप जो इसके मेंबरशिप पीरियड होंगे वो क्या होंगे इससे लेस या इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाएगा ये ट्रांजिटिव कहलाएगा और ये सारे पेयर के लिए सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आएगा एक्स वन उसको जेड वन ले लिया, वैसे यहाँ पर एक्स जो हम जब मैक्स मिनिमम निकालेंगे यहाँ पर देखो ये आएगा यहाँ पर एक्स और ये वाई और ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो हमारे पास जो भी ये आएगा मैक्स मिनिमम कंपोजिशन तो सारे पेयर के लिए सेटिस्फाई होने चाहिए। यहाँ पर एक्स को मैं जेड कहाँ है एक्स क्रॉस एक्स में है, ठीक है। अब सेकंड देखो इफ आर इज नॉट सेटिस्फाइड दिस इनइक्वालिटी फॉर सम, ठीक है। अगर किसी किसी के लिए ये क्या हो गया ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, कहीं के पे ये क्या आ गया अलग आ गया तो ये क्या कहलाएगा नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारे पास नॉन ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। और इफ इफ आर एक्स कॉमा जेड जो हमने जिन पे गिवन है रिलेशन वो क्या हो गया मैक्स मिनिमम कंपोजिशन निकाली जो इसके मेंबरशिप पीरियड आगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इक्वल भी नहीं है स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ठीक है। इसके जो मेंबरशिप पीरियड है इस कंपोजिशन के अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इसके आगे ये जो हमें गिवन है रिलेशन उससे आगे फॉर ऑल एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस एक्स जो भी पेयर है एक्स कॉमा जेड ये सभी पेयर के लिए अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा इस कॉल एंटी ट्रांजिटिव, ठीक है। ये क्या कहलाएगा एंटी ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। ये कहलाएगा एंटी ट्रांजिटिव, वैसे ही सेम यहाँ पे जैसे एंटी सिमेट्रिक इज इम्प्लाइड है असिमेट्रिक वैसे ही एंटी ट्रांजिटिव इज इम्प्लाइड है नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर एंटी ट्रांजिटिव यहाँ पर फॉर सम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है फॉर सम किसी किसी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है सारे के लिए, सारे तो सारे के अंदर क्या आएगा ये क्या है फॉर ऑल है, ये फॉर ऑल है, ये पे यहाँ पर क्या है फॉर सम, ठीक है। फॉर सम इसी के अंदर आया, ठीक है। ये क्या आ गया फॉर सम आ गया, ठीक है। ये फॉर ऑल है, फॉर सम है तो मतलब ये क्या है एंटी ट्रांजिटिव होगा, इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा नॉन ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। एंटी ट्रांजिटिव है इसका मतलब नॉन ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन ट्रांजिटिव है इसका मतलब एंटी ट्रांजिटिव हो, ठीक है। सुन आया तो हमारे पास ये देखो तो हम देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रिलेशन लिया एक्स वन से एक्स टू, ये जेड वन जेड टू आया 0.1, 0.3, 0.1, 0.4, ठीक है। ये आ गया तो हमने इसका कंपोजिशन निकाला, ठीक है। ये 0.1, 0.1, 0.3, 0.4 आ रहा है 0.1, 0.1, 0.3, 0.4, ठीक है। इसका मैक्स मिनिमम कंपोजिशन पता था ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैक्स मिनिमा देखो पहले क्या होता था, पहले मिनिमम निकालते थे मतलब जैसा मल्टीप्लीकेशन करने का आता है 1, 2, 3, 4 देखा है वैसे इसका भी 1, 2, 3, 4 के साथ ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पर देखो इसका पहला पहले के साथ 1, 2, 3 है, ये क्या होते थे प्लस होते थे, ठीक है। इंटू करने के बाद यहाँ पर क्या करना है सेम यहाँ पर क्या करना है मिनिमम पहले के निकालना है मिनिमम 0.1 ये 0.1 ये मिनिमम ऑफ 0.1, 0.1 मिनिमम ऑफ 0.1, 0.3, ठीक है। तो हम क्या निकालते थे फिर मैक्सिमम इसका पहली रो के लिए मैक्सिमम, ठीक है। इसको R11 ले लो, ठीक है। ये पहले फर्स्ट प्लेस के फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा मतलब 11 R11 ले लिया पहले मिनिमम 0.1 ये 0.1 इसके साथ फिर 0.1 और 0.3 इसका मिनिमम निकालना है तो इसका मिनिमम क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ 0.1, 0.1 तो दोनों का मिनिमम क्या है? तो अब देखो इन दोनों का मिनिमम क्या है 0.1 और मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1 तो हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा 0.1 तो सेम सेकंड के लिए भी करेंगे हम यहाँ पर 0.1 का मिनिमम क्या है 0.1 ठीक है और मैक्स फिर इसका 0.1 और 0.4 से 0.1 और दोनों का मैक्सिमम क्या होगा 0.1 होगा। तीसरे के लिए यहाँ पर ये फर्स्ट यहाँ पर ये फर्स्ट के लिए फिर ये इसके साथ करेंगे ये फर्स्ट आएगा इसके साथ करेंगे ये सेकंड वाला आएगा फिर क्या करेंगे तीसरे के लिए यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
पहले क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पे थर्ड के लिए सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 0.1, और यहाँ पे 0.5 से 0.3 से 0.3, और दोनों का मैक्सिमम क्या होगा 1.3 से 0.3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे 0.3 और 0.1 से 0.1, 0.4 और 0.4 का 0.4, और दोनों का मिनिमम, दोनों का मैक्सिमम कौन सा आएगा 0.4। तो हमारे पास R, R कंपोजिशन R क्या आ गया, हमारे पास 0.1, 0.1, 0.3 और 0.4 आ गया, ठीक है। सेम एलिमेंट आ रहा है इक्वल टू R के आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन दे रखा है ना, इक्वल टू मैक्स मिनिमम, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रांजिटिव आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव आ गया, ठीक है। अब देखो हमें एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, यहाँ पे तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल आ रहे थे, अगर यहाँ पे मैंने 1, यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास कंपोजिशन क्या था 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, ठीक है। अब हम इसका कंपोजिशन निकालेंगे 0.1 और 0.1, 0.1, 0.2 और 0.3, 0.2 और मैक्सिमम क्या आएगा 0.2, ठीक है, 0.1 और 0.2, 0.1, 0.2 और 0.4, 0.4, ठीक है, दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा 0.2 आएगा, 0.1 और 0.2 का 0.2 आ गया। वैसे यहाँ पे 0.3 और 0.1, 0.1 और 0.4 और 0.3, 0.3 और मैक्सिमम क्या आएगा 0.3 आ गया। यहाँ पे 0.3 और 0.2, 0.2, 0.4 और 0.4, 0.4 आया, ठीक है, 0.4 आया, मैक्सिमम क्या आएगा 0.4 आ गया, ठीक है। तो अब देखो जो ये वाला है, यहाँ पे x1, z1 जो हमारे पास ये वाला आया, ये वाला कंपोजिशन क्या है, जो गिवन कंपोजिशन है हमारे पास उससे क्या है ग्रेटर है, 0.2 इज ग्रेटर देन 0.1, ठीक है। ये वाला जो सेकंड, ये फर्स्ट कॉलम है हमारे, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, इसको R11 क्या हमारे पास, इससे क्या हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है, ये क्या है, इससे ग्रेटर है, ठीक है। तो हमारे पास नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, सम के लिए नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये नॉन ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये जो पहला एलिमेंट है इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये नॉन ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, नॉन ट्रांजिटिव आएगा। अब देखो तो ये एंटी ट्रांजिटिव, एंटी ट्रांजिटिव वाला थोड़ा इसका एग्जांपल ढूंढना, तो हमारे पास जो ऐसा आना चाहिए, मतलब अगर हमारे पास कुछ, हमारे पास क्या आना चाहिए, जो R कंपोजिशन है इस, जो हमारे पास ये क्या आना चाहिए, ठीक है, ये पहले वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए हमारे पास क्या होगा, जो लेस देन होता है, जो हमारे पास कंपोजिशन है सबसेट ऑफ R होनी चाहिए, यहाँ क्या इसके लिए होनी चाहिए, R इज स्ट्रिक्टली सबसेट ऑफ, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ R कंपोजिशन R का, ठीक है, इसके लिए होनी चाहिए R इज स्ट्रिक्टली, यहाँ पर क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ R कंपोजिशन R का, यहाँ पर R कंपोजिशन इज सबसेट ऑफ R, मतलब दोनों के एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं। ये देखो ये एक थ्योरम है, इस पर ये एक थ्योरम है, ठीक है, तो हम देखो इसके लिए थ्योरम देखते हैं जो यहाँ पर इसके लिए सेटिस्फाई करती है, मतलब अगर हमारे पास ये थ्योरम है मैक्स मिनिमा ट्रांजिटिव, प्रूव दैट मैक्स मिनिमा ट्रांजिटिव इज सेटिस्फाई आर कंपोजिशन आर इज लेस देन आर, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है तुम्हारे, तो हम इस पर थ्योरम देख लेते हैं इसकी, ठीक है। देखो थ्योरम देखो, व्हेन आर एक्स एक्स कॉमा एक्स इज मैक्स मिनिमा ट्रांजिटिव देन आर कंपोजिशन आर इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट मतलब इसके एलिमेंट ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन होता है, ये आर कंपोजिशन आर इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, इसके एलिमेंट इससे छोटी भी हो सकते हैं और इसके बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये होता है स्ट्रिक्टली, ठीक है, एज ये क्या होता है प्रॉपर सबसेट, मतलब इसके एलिमेंट इससे छोटे ही होंगे, ठीक है, ये कहता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये होता है प्रॉपर सबसेट, मतलब इसके एलिमेंट इससे कम ही होंगे, ठीक है, छोटे ही होंगे या कम होंगे, ठीक है, ये इसको कहते हैं प्रॉपर, यहाँ पर इक्वल आ गया तो मतलब ये इसके एलिमेंट इसके बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गिवन है हमें आर
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखी थी, उसको हम मैक्स मिनिमा ट्रांजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। टू प्रूफ आर कंपोजिशन आर इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, आर कंपोजिशन आर इज अ सबसेट ऑफ आर। अब फजी रिलेशन देखो, आप फजी रिलेशन आर एक्स कॉमा एक्स इज मैक्स मिनिमा ट्रांजिटिव इफ, हमें जो हमने अभी डेफिनेशन देखी थी उसमें अगर मैक्स मिनिमा ट्रांजिटिव क्या कहलाता है, जब आर ए कॉमा सी हमें एक्स कॉमा जेड पर रखा, मतलब जो हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया ए बी और सी, ठीक है, हमने ए से सी तक जा रहा है, मतलब हमारे पास ऐसे आ रहा है ना, ठीक है, कंपोजिशन यहाँ पर से यहाँ पर होता है एक्स, ये वाई और यहाँ पर वाई और ये जेड, ठीक है, ये वाई जेड यहाँ पर इन्होंने ले लिया है ए, ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ए सी बनेगा, तो आर ए सी इज ग्रेटर इक्वल टू जो हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड है आर ए सी की, ठीक है, मतलब हमारे पास आर ए कॉमा सी ले लिया, ठीक है, तो इसकी मेंबरशिप ग्रेड आर ए वन कॉमा ए कॉमा सी ए सी फॉर्म में आ गई, ठीक है, जहाँ ए कॉमा सी क्या है बिलोंग्स टू यहाँ पे एक्स क्रॉस एक्स स्थित है, ठीक है, एक्स क्रॉस एक्स स्थित है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है सेट है, हमारे पास कौन से सेट से लेते हमने एक्स से, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या बाइनरी है एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है, तो आर ए कॉमा सी इज ग्रेटर इक्वल टू जो मेंबरशिप ग्रेड है मैक्सिमम ऑफ बी बिलोंग्स टू एक्स और मिनिमम पहले क्या निकालना है, मिनिमम आर ए कॉमा बी कॉमा आर बी कॉमा सी, मतलब इसका कंपोजिशन जब निकालेंगे आर ए कॉमा बी इक्वल टू आर बी कॉमा सी मिनिमम, फिर क्या निकालना है इसका मैक्सिमम, ठीक है, इसे इक्वेशन वन ले ली फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है, नाउ वी नो दैट, नाउ यहाँ पर लिखना नाउ वी नो दैट, हमें पता है जब हम कंपोजिशन आर कंपोजिशन लिखते हैं, जैसे हमने कंपोजिशन पढ़ा था मैक्स मिनिमा कंपोजिशन पी क्यू का पढ़ा था, पी क्यू का पढ़ा था ना, मैक्सिमम ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई, वाई बिलोंग्स टू वाई, मिनिमम ऑफ यहाँ पर लिख देते हैं पी एक्स कॉमा वाई और क्यू क्या था वाई कॉमा जेड, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं मैक्सिमम कंपोजिशन सेम आर, ये क्या होता था यहाँ पर ये किसके एलिमेंट होते थे पी, जब हम कंपोजिशन निकालेंगे ये बनेगा हमारा एक्स कॉमा जेड का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए कॉमा सी के साथ आर कंपोजिशन आर था ए कॉमा सी, ठीक है, यहाँ पर आर आर लिख दो ए कॉमा सी इस इक्वल टू, इसका मतलब क्या था ये इसके बराबर जाएगा बी बिलोंग्स टू एक्स, जो हमारे पास क्या देखा है सेट देखा हमें एक्स देखा है, ठीक है, हर जगह क्या देखा है एक्स ही देखा है, तो बी बिलोंग्स टू एक्स मिनिमम आर यहाँ पर एक्स कॉमा वाई देते थे, यहाँ पर ए कॉमा बी है कॉमा आर बी कॉमा सी, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, ये हमने डेफिनेशन मैक्स मिनिमा कंपोजिशन के डेफिनेशन से हमें ये मिल गया, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ यहाँ पर लिख दो मैक्स मैक्स मिनिमा कंपोजिशन, ठीक है, मैक्स मिनिमा कंपोजिशन के डेफिनेशन से हमें ये पता है, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो आर कंपोजिशन आर ए कॉमा सी इज लेस देन इक्वल टू आर ए कॉमा सी फ्रॉम वन, हमें ये वन इक्वेशन ली थी, हमें ये क्या इस ट्रांजिटिव डेफिनेशन से हमें ये मिल रखा है, तो ये इसके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मेंबरशिप ग्रेड, ये भी क्या है मेंबरशिप ग्रेड ही है, तो लेस देन इक्वल टू आर ए कॉमा सी, ठीक है, तो फ्रॉम वन फॉर ऑल ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया सभी के लिए हो गया, तो हमारे पास क्या निकला आर ये क्या मेंबरशिप ग्रेड, अगर इससे लेस है तो ये क्या इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है, तो हैंस आर कंपोजिशन आर इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन भी है, ठीक है, प्रॉपर मत करना इसे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन भी आएगा, ठीक है, आर कंपोजिशन आर इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया फॉर ऑल के लिए निकल गया, तो हमारे पास क्या निकल गया सारे एलिमेंट इससे कम हो गए तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है, ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है, तो हमारे ये ऐसे इसको प्रूफ करना था, ठीक है, ये प्रूफ है, अगर जहाँ पर एंटी सिमेट्रिक था जहाँ पर एंटी ट्रांजिटिव प्ले था हमारे पास आर आ जाएगा, ये आर इज अ प्रॉपर सबसेट, आर क्या होगा प्रॉपर जो उसके सारे मेंबरशिप ग्रेड होंगे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, सारे क्या होंगे लेस होंगे, जो आर कंपोजिशन आर से क्या होंगे हमेशा लेस होंगे, ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पर ये स्ट्रिक्टली लेस देन आ गए तो ये क्या कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है, अब देखो फॉर ऑल के लिए, ठीक है, फॉर ऑल, अब देखो यहाँ पे है ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ फजी रिलेशन, फजी रिलेशन में ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव क्लोजर दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है,
The transitive closure of a fuzzy relation R x comma x, ठीक है, ये fuzzy relation है, is defined as the elements of the transitive closure have the smallest possible membership rate. तो transitive closure निकालेंगे हम, तो उसके पास क्या होगा, smallest possible membership rate, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी membership rate, possible membership rate, सबसे छोटी, ठीक है. That state allow the first two requirements to meet. जो हमारे पास requirements आएगी, जो हम ये निकालेंगे, फर्स्ट टू रिक्वायरमेंट्स टू मीट, इन दोनों को मिलाने के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी उसको हम ट्रांजिटिव क्लोजर बोलते हैं, ठीक है. तो छोटे से छोटे मेंबरशिप ग्रेड आएगी हमारे पास, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर. द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ फजी रिलेशन आर एक्स कॉमा एक्स इज डिनोटेड बाय, ट्रांजिटिव क्लोजर को कैसे डिनोट करते हैं, आर टी एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर को आर टी एक्स कॉमा एक्स, ठीक है. एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय अ सिंपल एल्गोरिथम दैट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, ठीक है. इसको हम डिटरमाइन कैसे, ट्रांजिटिव क्लोजर हम कैसे निकालेंगे, हमें तीन स्टेप देखे, ठीक है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम स्टेप देखे हमें तीन. फर्स्ट स्टेप है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें आर डैश, हमारे पास आर डैश क्या आएगा, एक आर डैश आएगा, देखो हम क्या लेना है, कंपोजिशन लेना है, आर आर का कंपोजिशन लेना है, फिर उसके साथ उसका यूनियन निकाल देना है, ठीक है. कंपोजिशन के बाद उसका यूनियन निकाल देना है, ठीक है. यूनियन को हमने ये ले लिया आर डैश, ठीक है, मतलब हम ये कंपोजिशन निकालेंगे, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है. फिर उसका क्या लेंगे, आर के साथ यूनियन ले लेंगे, तो हमें इसको एक दूसरा मानना पड़ेगा, ठीक है. इतना बड़ा तो हम बाबे लिखते हैं, देखिए हमने इसको ले लिया आर डैश ले लिया, ठीक है. पहले स्टेप क्या है, आर डैश, ठीक है. इफ आर डैश इज नॉट इक्वल टू आर, अगर हमारे पास आर डैश आर के बराबर नहीं हो रहा, तो मेक आर इक्वल टू आर डैश, ठीक है. तो हमें क्या करना है, एंड गो टू स्टेप फर्स्ट, ठीक है. अगर हमारे पास ये है, ठीक है, ये आर डैश ले लिया हमने, अगर हमारे पास आर डैश क्या रहा है, नॉट इक्वल टू आर आ रहा है, ठीक है. आर डैश अगर आर के बराबर नहीं आ रहा, तो हमारे कंपोजिशन गिवन है, ये क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास आर रिलेशन गिवन है, ठीक है. और आर डैश आर के बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फिर से करना है, स्टार्ट फिर से करना है, आर डैश को फिर हमने एक नया लेना, आर डैश को इक्वल टू आर लेके चलना है, फिर मतलब फिर इसका कंपोजिशन निकालना है, मतलब आर डैश कंपोजिशन आएगा, ठीक है, फिर आर डैश कंपोजिशन आएगा, वैसे फिर यहाँ पे इसके साथ इसका यूनियन लेंगे, फिर इसको आर डबल डैश ले लिया, फिर हम इसको क्या लेंगे, आर डबल डैश ले लेंगे, ठीक है. तो फिर भी अगर फिर भी इक्वल नहीं आया, अगर ये आर डैश आर डैश आर डबल डैश आर डैश के बराबर आ गया, ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर भी क्या करेंगे, फिर से हम क्या लेंगे, आर डबल डैश को आर लेंगे, ठीक है. जब तक ये जो हम आर डबल डैश को फिर आर डैश ले लेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर स्टेप में, यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में कर रहे थे हम आर आर को आर डैश को आर ले लिया था, फिर हम क्या करेंगे, आर डबल डैश को आर डैश ले लेंगे, मतलब स्टार्टिंग फिर यही कंपोजिशन आएगी, फिर से हम क्या करेंगे, यूनियन कंपोजिशन निकालेंगे, फिर यूनियन करेंगे, फिर जब तक ये इसके बराबर ना आ जाए, ठीक है, जब तक ये खुद के बराबर ना आ जाए, जब तक हम जो हम स्टेप निकाल रहे हैं वो उसी के बराबर ना आ जाए जो हमने स्टार्टिंग में ले रखा है, ठीक है, तो तब तक हम इसको निकालते रहेंगे, ठीक है. मतलब आर डैश लिया हमने फर्स्ट टाइम में, आर डैश आएगा आर यूनियन आर कंपोजिशन आर, ठीक है. अगर आर डैश नॉट इक्वल टू आर जो हमने स्टार्टिंग कंपोजिशन में लिखा है उसके बराबर नहीं हुआ, तो मेक आर इक्वल टू आर डैश, ठीक है. तो हमें आर डैश को फिर आर लेना है, एंड गो टू स्टेप फर्स्ट, फिर हमें फर्स्ट स्टेप फिर से फॉलो करना है. फिर अगर हमारे पास इफ यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर डैश इक्वल टू आर, हमारे पास अगर आर डैश आर के बराबर हो गया तो स्टॉप कर देना है, तो हमें यहाँ पर रुक जाना है. तो यही हमारा क्या होगा, आर डैश इक्वल टू आर टी, वही क्या हो जाएगा हमारे पास, आर डैश इक्वल टू आर टी हो जाएगा, ठीक है. मतलब यहाँ पर हमने जो डबल डैश निकाला था, डबल डैश इक्वल टू आर डैश आ गया, तो हमारे पास जो डबल डैश निकला आर डबल डैश ही क्या हो जाएगा हमारे पास, आर टी, ठीक है. जहाँ पर ये इसके बराबर निकल गया जो हमने कंपोजिशन ले रखा है उसी के बराबर निकल गया हमारे पास, यूनियन के बाद जो कंपोजिशन हमने ले रखा था स्टार्टिंग में, अगर उसी के बराबर निकल गया तो हमारे पास वही हो जाएगा आर टी, मतलब ट्रांजिटिव क्लोजर, वही हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर होगा, ठीक है. जब तक हमारे पास ये इसके बराबर नहीं निकले, अगर ये सेकंड में भी नहीं निकला फिर तीसरा लेंगे, तीसरे में भी नहीं निकला फिर चौथा लेंगे, ठीक है. तो हमारे पास ये कि तब तक हम लेते रहेंगे जब तक ये जो हमने स्टार्टिंग में कंपोजिशन जो हमने रिलेशन ले रखा है उसके बराबर ना आ गए, ठीक है. मतलब जैसे ये आर डैश अगर आर के बराबर हो गया तो हमने इसे स्टॉप कर देना है, अगर आर डबल डैश होगा आर डैश यूनियन आर डैश कंपोजिशन आर, ठीक है. अगर ये आर डबल डैश
आर के बराबर हो गया तो हमने यहाँ पर स्टॉप कर देना है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप कर देना है। फिर आर डबल एस हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ट्रांजिटिव क्लोजर। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आर ट्रिपल डैस लेंगे हम फिर से, फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे आर ट्रिपल डैस, आर ट्रिपल डैस हो जाएगा हमारे पास आर डबल डैस यूनियन आर डैस डबल डैस कंपोजिशन आर डबल डैस। अगर ये इसके बराबर आ गया, अगर आर डबल डैस के बराबर आ गया तो हमारे पास ये आर ट्रिपल डैस ही हमारे पास क्या निकल जाएगा, कंपोजिशन निकल जाएगा। अगर नहीं हुआ फिर हम क्या लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे, ठीक है, ऐसी स्टेप कंटिन्यू कर देना है, एंड तब से लिखा है एंड गो टू स्टेप फर्स्ट, फिर हमें ये स्टेप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव क्लोजर, जब तक हमारे पास पहली कंपोजिशन के बराबर ना आ जाए जो हमने ले रखा है तब तक हम इसको निकालते रहेंगे, और जहाँ पर ये आ जाए वहाँ पर हमने स्टॉप कर देना, वही हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव क्लोजर होगा, ठीक है। तो अबव एल्गोरिथम जो हमने एल्गोरिथम है इज एप्लीकेबल टू बोथ क्रिप्स एंड फजी रिलेशंस, ठीक है, ये दोनों के लिए यूज होगा। अगर क्रिप्स के लिए आ गया तो क्रिप्स के लिए भी ऐसी करना है, ठीक है, मतलब वहां पर क्या आएगा, मैट्रिक्स देंगे, ठीक है, क्रिप्स साइड में कोई मैट्रिक्स आएगी 0 1 की, ठीक है, क्रिप्स साइड में मेंबरशिप क्रिएट करते 0 और 1 होते हैं, ठीक है, वहां पर हमें कंपोजिशन दे रखा है तो वहां पर भी ऐसे यूज करना है, ठीक है। और फजी रिलेशन के लिए तो ये, और अगर क्रिप्स के लिए आ गया तो सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हाउएवर, अब देखो हाउएवर द कंपोजिशन इज स्टेप फर्स्ट मस्ट बी एप्लीकेबल कंपेटिबल सॉरी इन स्टेप फर्स्ट मस्ट बी कंपेटिबल विद डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। हमें पास अगर स्टेप फर्स्ट अगर हमने ट्रांजिटिव क्लोजर ले रखा है, जैसे हमें आर देता है, हमें आर ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, अगर हमारे पास ये आर डैश आर के बराबर आ गया तो ये हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर तो हो गई और साथ में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर हमने हमने ये निकाल दिया, हमने ये निकाल दिया ट्रांजिटिव निकाल दिया, ठीक है, अगर हमारे पास आर डैश इक्वल टू आर के बराबर आ गया, स्टेप फर्स्ट आ गया, स्टेप फर्स्ट में हमारे पास आर डैश इक्वल टू आर आ गया, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है, वहां पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। मतलब जैसे अगर हमारे पास आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी निकालो और ट्रांजिटिव क्लोजर निकालो, हमने ट्रांजिटिव क्लोजर निकाल लिया, वहां से हमारे पास आर डैश इक्वल टू आर आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आर डैश इक्वल टू आर आ गया तो हमारे पास ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो, देखो एग्जाम्पल देखो, पहला है आर हमें दे रखा है आर 2.2, 1.4, 0.6, 0.3, 0.1, 0.3, फाइंड आर टी एंड चेक द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हमें आर टी मतलब ट्रांजिटिव क्लोजर और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करने की सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो आर आर कंपोजिशन आर 0.2 ये लिख दिया हमने, जो आर हमें गिवन है ये लिख दिया हमने, इसको ले लिया हमारे पास, जो इसको कंपोजिशन निकालने के बाद आएगा, यहाँ पर कंपोजिशन है R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, हमारे पास ये आएगा, ठीक है, कंपोजिशन निकालने के बाद। तो हमने R11 देखा, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एग्जाम में अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है, पहले इसको सीधा सिस्टमेटिक वे में एक दो लाइन हमें ये लिख देनी है, ठीक है, R11, R12 एक दो निकाल देना है, बाकी सीधे सीधा लिख देना, ठीक है। देखो R11 क्या होता है, R11 मैक्सिमम, हम क्या मैक्स मिनिमा कंपोजिशन लगाएंगे, ठीक है, मैक्स मिनिमा कंपोजिशन लगती है, तो पहले क्या निकालते हैं, देखो यहाँ पर से पहला पहले के साथ, तो मिनिमम ऑफ 0.2, 0.2, मिनिमम ऑफ 1 और 0, मिनिमम ऑफ 0.4 और 0, ठीक है, इन सबका मिनिमम निकालना 0.2, 0, 0 आएगा, ठीक है, और फिर क्या निकालना है, इन सबका मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, तो R11 आएगा हमारा 0.2, ठीक है। तो R12 देखो, R12 आएगा मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का, यहां से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑफ 0.2 और 0.1, 0.2, 1 और 0.6, 0.6, 1 और सॉरी 0.4 और 1.4, ठीक है, इन सब में से मैक्सिमम क्या है 0.6, ठीक है, 0.6 हमारा क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो वैसे ही R13 देखो, R13 क्या हो जाएगा हमारा, 0.3 निकल जाएगा, R13 0.3, R21 हमारा 0, R22 0.6, R23 0.3, ठीक है, R31 0, R32 0.6, R33 भी 0.3 निकल जाएगा, ठीक है। तो हम R कंपोजिशन R हमारे निकला 0.2, 0.6, 0.3, 0.6, 0.3, ठीक है, 0.3 मतलब,
ठीक है। तो हमारे पास अब देखो यूनियन निकालना होता है, आर यूनियन आर कंपोजिशन आर निकालना होता है, ठीक है। तो आर यूनियन का मतलब क्या है, पहले हमने फजी सेट में यूनियन देखा था, इसमें भी मैट्रिक्स का यूनियन बताया था, सेम एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट एलिमेंट सेम लाइन के, ठीक है, ये आर वन वन ये सेम लाइन के, ये वाला, इन दोनों का मैक्सिमम निकालना है। यूनियन क्या होता था, मैक्सिमम निकालते थे और इंटरसेक्शन मिनिमम निकालते थे। दो सेट के लिए मतलब ए और बी ले लिया, इन सेट का क्या निकालते थे, मैक्सिमम मेंबरशिप ग्रेड का, ठीक है, मैक्सिमम निकालते थे ना। पहले तो एलिमेंट आएगा, फिर क्या आएगा, मैक्सिमम एक्स का, फिर ये मेंबरशिप ग्रेड, इन दोनों का मैक्सिमम निकालते थे, ठीक है। जो भी यहाँ पर आता था ए यूनियन बी एक्स, ठीक है, ए यूनियन बी एक्स क्या होता था, मैक्सिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी एक्स, ठीक है। इन दोनों का जो मेंबरशिप ग्रेड मैक्सिमम वाला होता था, ठीक है, इंटरसेक्शन में मिनिमम वाला, सेम यहाँ पर भी क्या होगा, सेम सेम वाले में, ठीक है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखो आर यूनियन आर कंपोजिशन आर, यहाँ पर लिखा ना मैक्सिमम ऑफ ए आई जे, इसको ए आई जे लिख दिया, जो हमारे पास ये है ए आई जे और आर आई जे, यहाँ पर आर आई जे है, यहाँ ए आई जे बिलोंग्स टू आर और आर आई जे आर कंपोजिशन आर से बिलोंग्स कर रहे, ठीक है, मैक्सिमम निकालते थे, ठीक है, सेम सेम एलिमेंट का, ठीक है, मतलब पॉइंट टू और पॉइंट टू का मैक्सिमम क्या होगा, पॉइंट टू, वन और पॉइंट सिक्स का वन, पॉइंट फोर और पॉइंट थ्री का पॉइंट फोर, जीरो और जीरो का जीरो, पॉइंट सिक्स और पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स, पॉइंट थ्री और पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री, यहाँ पर जीरो से जीरो मैक्सिमम, यहाँ पर वन और पॉइंट सिक्स से वन मैक्सिमम होगा, पॉइंट थ्री और पॉइंट थ्री से पॉइंट थ्री मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास आर डैश निकला, ये हमारा क्या है, आर डैश है, ठीक है, ये आर डैश लिखते थे ना, आर डैश, आर डैश इक्वल टू ये होता था, आर डैश हमारा क्या निकल गया, देखो आर निकल गया, आर डैश क्या निकल गया, हमारा आर निकल गया, तो हमारे पास क्या होगा, दस आर डैश इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये आर डैश आर आर के बराबर निकल गया, अब ये क्या निकल गया, आर डैश इक्वल टू आर टी, ये हमारा क्या है, क्लोजर मेंबरशिप मैट्रिक्स, मतलब ट्रांजिटिव क्लोजर, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव आर डैश ही हमारा क्या है, ट्रांजिटिव क्लोजर है, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोजर मेंबरशिप मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसे, इसको हम बोलते हैं क्लोजर मेंबरशिप। ये देखो हमारी ये निकल गया क्लोजर मेंबरशिप मैट्रिक्स निकल गई। अब देखो हम ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, देखो सिंस वी गेट, हमें क्या मिला, आर डैश इक्वल टू आर मिल गया, फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई हो गया, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में था आर डैश इक्वल टू आर आना चाहिए, ठीक है, आर डैश आर के बराबर आ गया, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये आर डैश आर के बराबर निकल रहा है। और देखो जब हम आर कंपोजिशन आर भी देखेंगे, आर कंपोजिशन आर ये क्या होगा, सबसेट होगा, देखो जो भी इसके एलिमेंट आ गए, देखो ये आर और आर कंपोजिशन है, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, देखो पॉइंट टू दोनों क्या है, ये सबसेट आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, सबसेट आ रहा है, देखो पॉइंट टू ये क्या है, पॉइंट सिक्स क्या है, वन से लेस है, ये आता है जो हमें गिवन है, और जो हम कंपोजिशन निकालते हैं, कंपोजिशन वाला क्या आना चाहिए, जो हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड होंगे उससे लेस आनी चाहिए, लेस या उसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर है, लेकिन पॉइंट सिक्स इससे कम है, पॉइंट थ्री पॉइंट फोर से कम है, जीरो इसके बराबर है, पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स के, पॉइंट थ्री के, जीरो ये दोनों बराबर है, पॉइंट सिक्स लेस देन वन, ठीक है, और पॉइंट थ्री के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, आर कंपोजिशन आर के सबसेट ऑफ आर आ गया हमारे पास, ये दिख भी रहा है, ठीक है। तो इट्स हेंस द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, तो हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसे निकाले, ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप से ही हो गया, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप आर डैश इक्वल टू आर के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर दो तीन स्टेप और करने पड़े तो हम कैसे करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन है, आर हमें दे रखा है पॉइंट एट पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो वन वन पॉइंट टू पॉइंट फोर जीरो 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 पॉइंट नाइन पॉइंट एट, ठीक है, फाइंड आर टी, आर टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आर कंपोजिशन आर मैंने इसको सीधा लिखा है, ठीक है, तुम इसको निकाल सकते हो आर कंपोजिशन आर, ठीक है, कंपोजिशन निकाल देना, तो हमारे पास आएगा ये कंपोजिशन, जब हम इसका कंपोजिशन निकालेंगे पॉइंट एट पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट एट पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट नाइन पॉइंट एट पॉइंट फोर पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट फोर पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट एट और पॉइंट एट, ठीक है, ये हमारा कंपोजिशन आया। और अब देखो इसका जो मैक्सिम, जब हम इसका यूनियन निकालेंगे, आर यूनियन आर जो कंपोजिशन निकाला उसका, देखो यूनियन निकालेंगे, मैक्सिमम निकालना है, पॉइंट और पॉइंट एट का मैक्सिमम पॉइंट एट, सिक्स और सिक्स का सिक्स, सिक्स और जीरो का सिक्स, सिक्स और जीरो का सिक्स, ठीक है। वैसे तो हमारे पास ये क्या आएंगे पॉइंट एट, यहाँ पे पॉइंट एट और वन का वन आया मैक्सिमम, ठीक है, तो हमारे पास ये कंपोजिशन आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट एट पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स वन वन पॉइंट फोर पॉइंट फोर पॉइंट फोर पॉइंट फोर पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट टेन और पॉइंट एट, ये हमारा क्या आ गया,
ये हमारा कंपोजिशन आ गया, ठीक है। यूनियन निकालने के बाद ये आ गया हमारे, ये क्या निकला हमारे पास, आर डैश आ गया, ठीक है, आर डैश आ गया। हेयर आर डैश इज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 0.2 और यहाँ पे 0.4 है, 0 और 0.2, यहाँ पे दो एलिमेंट के और बाकी और एलिमेंट भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पर आ रहा है 0.6, तो हमारे पास क्या है, आर डैश इज नॉट इक्वल टू आर, आर डैश आर के बराबर नहीं आ रहा। सो वी अगेन रिपीट द अबव स्टेप्स, ठीक है। देखो वहां पर हम ट्रांजिटिव क्लोजर देख लेते हैं, अगर आर डैश आर के बराबर नहीं आया तो हमें क्या करना, स्टेप फर्स्ट पर फिर से जाना है। तो हम फिर से रिपीट करेंगे किसको मान के, आर डैश को आर मान के, ठीक है। मतलब हमें क्या लेना है, आर आर की जगह पर आर डैश लेना है, मतलब आर डैश और आर डैश का कंपोजिशन लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कंपोजिशन, तो ये आगे देखो जब हम इसका कंपोजिशन निकालेंगे 0.8, 0.6, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0.9, 0.8, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4 और यहाँ आएगा 0.4, 0.8, 0.8, ठीक है। और हम ये कंपोजिशन निकल गया, ठीक है। अब फिर यूनियन निकालते हैं, अगर यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास देखो यूनियन निकालेंगे, यूनियन पता है दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, सेम सेम एलिमेंट वाले, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम जो होगा तो ये आएगा, जब हम इसका ये निकालेंगे मैक्सिमम, यूनियन निकालेंगे इन दोनों में से, तो पॉइंट आएगा 0.8, 0.6, 0.6, 0.6, 1, 0.6, 1, 1, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.9, 0.8, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आर डबल डैश आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आर डबल डैश ले लेते हैं हम इसको, ठीक है, आर डैश, फिर क्या आएगा, फिर आर डबल डैश, ठीक है। हेयर अगेन आर डबल डैश इज नॉट इक्वल टू आर डैश, ठीक है, आर डबल डैश फिर से क्या है, आर डैश के बराबर नहीं है। तो अगेन रिपीट स्टेप्स, ठीक है, अगेन रिपीट अबव स्टेप्स। हम फिर से क्या करेंगे, जो ऊपर स्टेप्स है हमको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आर डबल डैश को मतलब आर आर डैश को आर डैश को सॉरी आर डैश आर डबल डैश को आर डैश लेके मतलब आर डैश की जगह पे आर डबल डैश लेना है, ठीक है। तो आर डबल डैश कंपोजिशन आर डबल डैश ये आएगा हमारे पास 0.8, 0.6, 0.6, 0.8, 0.6, 0.9, 0.8, 0.4, 0.4, 0.4, 0.8 और 0.8, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कंपोजिशन आया। अब यूनियन निकालेंगे इसका, आर डबल डैश यूनियन आर डबल डैश कंपोजिशन आर डबल डैश यूनियन निकाले जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आएगा देखो 0.8, 0.6, 0.6, 0.1, 0.6, 1, 1, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.9 और 0.8। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ये जो हमारे पास आर ट्रिपल डैश निकला, ठीक है, आर ट्रिपल डैश निकला, ये क्या निकलेगा, आर ट्रिपल डैश निकलेगा, यहाँ पर ये आर डबल डैश निकलेगा, यहाँ पर ये आर डैश निकलेगा, ठीक है। आर ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो आर ट्रिपल डैश हमारे पास आर डबल डैश के बराबर आ रहा है, देखो 0.8, 0.6, 0.6, 1, 0.6, 1, 1, 0.4, 0.4, 0.4, यहाँ पे भी सारी क्या 0.4 है, यहाँ पे 0.4, 0.4, 0.9 और 0.8, ठीक है। अब क्या है, देखो आर ट्रिपल डैश क्या है, आर डबल डैश के बराबर है, दस आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आर टी, जो हमारे पास आर ट्रिपल डैश निकलेगा ये क्या होगा हमारे पास, आर टी होगा, द क्लोजर मेंबरशिप मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे हम क्लोजर मेंबरशिप मैट्रिक्स, ठीक है। द आर ट्रिपल डैश क्या होगा, ट्रांजिटिव क्लोजर होगा, और ये क्या होगा हमारे पास, क्लोजर मेंबरशिप मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स होगी इसको बोलेंगे हम क्लोजर मेंबरशिप मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे जब हम तीन स्टेप गए, पहला दूसरा तीसरे, तीसरे स्टेप में जाके इक्वल आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव क्लोजर, अब देखो ये ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब आर डैश इक्वल टू आर डैश हमारे पास क्या रहा है, आर डैश नॉट इक्वल टू आर आ रहा है, ठीक है। अगर आर डैश आर के बराबर होता तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, अगर आर डैश आर के बराबर नहीं है तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव क्लोजर है, और इसी से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम ऐसे सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, समझ में आया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना, ठीक है, थैंक यू।